हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। सो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ये स्कोडा येटी है। सो बेसिकली इसका मैं फ्रंट बेयरिंग है रिप्लेस करने वाला हूँ। सो फ्रंट लेफ्ट साइड से इसका हमिंग नॉइज आ रहा है और उसकी वजह से जो क्लस्टर मीटर में ट्रैक्शन लाइट और ABS लाइट शो हो रहा है। जो मेरे को मालूम है इसका जो ABS सेंसर है वो ख़राब हो चुका है अलॉन्ग विद इसका जो व्हील बेयरिंग है हब का। सो आज की वीडियो में बताने वाला इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और यही सेम प्रोसेस अपना स्कोडा लॉरा येटी जेटा पसा रिसर्ट सब में सेम ही आता है प्रोसेस। पावर फ्रेंड्स, आपको बताया मैंने इसमें जो है ABS का लाइट, अभी तो मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ बोल के लाइट फ्लैश हो रहा है। देखो इसमें कैसा फ्रंट लेफ्ट साइड का है ना, ABS का जो बेयरिंग आता है मैकेनिकल फेलियर करके फॉल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। और लेफ्ट फ्रंट ABS व्हील सेंसर का इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन भी आ रहा है। सो अभी आज के इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ मैं इसका फ्रंट लेफ्ट का जो बेयरिंग है बेयरिंग रिप्लेस करूँगा एलोंग में, तो उसका सेंसर डालूंगा। क्योंकि मैकेनिकल फॉल्ट में कभी कभी क्या हो जाता है, उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है ना सेंसर का, सॉरी इसका जो व्हील बेयरिंग का, उसमें तकलीफ आता है तब जाके होता है, या फिर वो घस के निकल गया रहेगा, कुछ और भी रीज़न रहेगा। और मैं चलाते टाइम फील कर सकता है इसका जो लेफ्ट साइड से है ना, लेफ्ट साइड से बहुत वाइब्रेशन आ रहा है। मतलब इसको डायग्नोस करने पे समझ में आ रहा है इसका व्हील बेयरिंग गया हुआ है और इसके लिए सेम टाइम में ये फॉल्ट भी डिटेक्ट कर रहा है। मतलब इसको कैसा रिप्लेस करने वाला हूँ मैं, देखो कभी कभी आता है ट्रैक्शन लाइट और इसका ABS का लाइट, कभी नहीं आता है। अभी तो आ रहा नहीं है लेकिन कभी चलाऊँगा तो आता है, फ्लैश हो जाता है, फिर कभी रनिंग में चले भी जाता है। तो अभी प्रोसेस के हिसाब से बता दो मैं क्या क्या चीज़ चेंज होगा उसका। सकते मैंने इसका फ्रंट लेफ्ट का व्हील निकाल दिया हूँ मैं। सो मेरा पहला स्टेप क्या है, और मेरे को तीन चार चीज़ खोलना पड़ेगा। इसका एक्सल का बोल्ट हो गया, ब्रेक डिस्क हो गया, ब्रेक पैड हो गया, इसका स्टेयरिंग का टायर रॉड हो गया, और लोअर आर्म का जो जॉइंट है देखो यहाँ पे, वो भी खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या, मैं एक्सल का बोल्ट लूज करके लूँगा मैं। आप देख सकते हैं ऐसा लॉक करने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर या फिर वायर डाल देने का, कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइट रहता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये खुल गया, खुल गन मार के निकाल। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका स्टेयरिंग का जो टायर रॉड है वो खोलूँगा मैं। आप देख सकते हैं 18 नंबर का नट दिया हुआ है, किसमें 18 का भी आता है, किसमें 19 का भी आता है। कंपनी का ओरिजिनल नट 18 नंबर का रहता है। सो आप देख सकते हैं ये टायर और खुलने का पुलर है, इससे टायर और खुल जाता है। बस आप देख सकते हैं ये भी डिसमेंटल हो गया है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला 316 नंबर का नट लगा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हैं, इसको खोलूंगा मैं। और उसके बाद इसका ब्रेक पैर को खोलूंगा। आप देख सकते हैं तीनों खुल चुका है, ये देखो 16 नंबर के नट लगे हुए। आपको बताया मैं नीचे लोअर आर्म भी खोला, ये बोल्ट ऑलरेडी मैंने खोल के लिया। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका ब्रेक पैड खोलना है। तो ब्रेक पैड खोलने के पहले कैसे, इसे कैलिपर के साथ खोलूँगा मैं। यहाँ पे 21 नंबर का नट लगा हुआ है, सॉरी 21 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसके साथ खोल के लूँगा। सो इसके पहले थोड़ा ब्रेक को कटा दूँगा मैं, कटा के थोड़ा ब्रेक को अलग कर दूँगा डिस्क से हल्का सा ही, बस हो गया। मेक श्योर ये जब कटाने का टाइम रहता है ना, तो ये इसका जो ब्रेक फ्लूइड का जो कैप है उसको रिलीज कर देने का। दो 21 नंबर का बोल्ट होता है,
गन मार दे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये निकल गया ऊपर फंसा दे। हाँ ऐसा फंसा दे इसको, गिरेगा नहीं, टेंशन नहीं। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड, इसका जो ब्रेक डिस्क है, ब्रेक डिस्क को बाहर निकालना है। आप देख सकते हैं आगे 30 नंबर का स्क्रू दिया, 30 नंबर का स्क्रू दिया हुआ अपन। खोलने का इसको थोड़ा हल्का स्टैंपिंग करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा निकलता नहीं है। आगे बाजू टूटना है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक व्हील का बोल्ट लगा देने का सेफ्टी के लिए, कभी कभी ऐसा ठोकते टाइम बाहर आ जाएगा ना तो गिरना नहीं बनता। ठोक आप देख सकते हैं निकल गया। ये बोल्ट लगाना कैसा सेफ्टी रहता है, नहीं तो कभी गड़प करके बाहर आ जाता है। ये तो वैसे छोटे डिस्क से ज़्यादा वजनदार नहीं है, बड़े हायर सेगमेंट में जाए तो डिस्क का वजन भी बड़ा हो जाता है। सो अभी मेन चीज़ है अपना ये, आप देख सकते हैं ये इसका हब है, ये हब रिप्लेस होगा। तो इसके लिए कैसा, एक्सल का जो बोल्ट खुला था ना, एक्सल को पीछे लेना मेरे को। ठोक ना, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आगे से ठोक रहा हूँ मैं, एक्सल बाहर आ गया। ऐसा ज़्यादा कुछ ठोकना नहीं पड़ता, इजीली आ जाता है, निकल लो। ये देखो इजीली निकल जाता है। और ये इसका हब बेयरिंग है, अब ये रिप्लेस करने वाला हूँ, घुमा उसको। आप देख सकते हैं इसका ड्राई शाफ्ट खोल दिया हूँ मैं, ये जो ग्रीस वीस दिख रहा है इसका एक्सल का काम किया था, वो हिसाब से इसका जो बचा हुआ ग्रीस है ना बाहर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुए 4 बोल्ट, ऊपर 2 नीचे 2, ये खोल दूंगा मैं और ये बैरिंग है बाहर आ जाएगा। थोड़ा जाम खुलता है वो, और जाम खुलने के बाद इसको इजीली आता नहीं, इसको थोड़ा स्टैंपिंग करना पड़ता है, ठोकना पड़ता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको बैरिंग का नॉइज सुना था मैं, घुमा इसको। आप देख सकते हैं रफ हो चुका था बैरिंग, आप देख सकते हैं ये इसका हब का बोल्ट है, एबीएस का जो बैरिंग का हब है, ये M12 का स्पॉकेट लगता है इसमें। आप हमें अब ये बैरिंग को निकालना है तो उसको ठोक के निकालना पड़ता है, थोड़ा स्टैंपिंग करना पड़ता है। ये देखो छोड़ने लग गया ऊपर है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसा ठोक ठोक के खोलना पड़ जाता है इसको। देखो आप देख सकते हैं, आपको बता था मैंने इसमें मैकेनिकल माल फंक्शन आ रहा था। देखो ये थोड़ा पोर्शन है ना आएगा खा गए ले, ये देखो। सो इसके वजह से ही ये ट्रबल दिखा रहा था। अब मैंने नया लाया हुआ बैरिंग इसका, सकते नया वाला बैरिंग है ये, ये IMB कंपनी का बैरिंग है, तो वो डालने और आफ्टर मार्केट है लेकिन चलता है, ऐसा तकलीफ नहीं है। ये अपना जूना वाला है सेंसर ला। सो इसके साथ इसका जो सेंसर है फ्रंट लेफ्ट का, ये भी चेंज करने वाला है। इसका सेंसर यहाँ माउंट होता है,
आप देख सकते हैं 5 नंबर का एलंकी दिया हुआ है। ये खोलूंगा मैं, खोलने का दिन नया वाला सेंसर इंस्टॉल करेगा, क्योंकि सेंसर का भी DTC आ रहा था उसमें इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन। ये पोर्शन में पेपर मारूंगा हल्का सा, उसका लगा दूंगा मैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेंसर का 5 नंबर का बोल्ट आता है, वो इसका स्पीड सेंसर है। देखो ये भी आप देख सकते हैं हल्का खाया है। ये कैसा खाता है, ये बैरिंग की वजह से खा लेता है। सब ये काम का नहीं अपना, अपन अभी नया वाला लगा देंगे, क्लीन कर ले उसके अंदर का पोर्शन। आप देख सकते हैं ये मैंने साफ करके ले लिया है। एक चीज़ ध्यान देना होता है, इधर किधर भी ऐसा ग्रीस व्रीस लगाने का नहीं, क्योंकि जब अपन बैरिंग प्रेस करते ना तो ग्रीस कैसे आपको मालूम है पचक के बाहर निकलता है। ये देखो बाहर निकला, तो ये सब इसके ऊपर जो इसका ट्रिगर व्हील है सेंसर का मैग्नेट रिंग, इसके ऊपर आ जाता है तो ख़राब करता है। और एक और चीज़, इसमें जब एक्सल में भी नॉर्मली एक्सल लगाते ना अपन ग्रीस व्रीस लगाते, इसमें ऐसा कोई लगाने का नहीं, क्योंकि को मालूम है ये मीनिंग एक्सल में बैठता है, इसमें एक्सल बैठता है, ये इसका शाफ्ट है जो। तो जब इधर ग्रीस लगाएंगे ऐसा पचक जाता है अंदर, और पूरा जो ग्रीस व्रीस है ना ये इसके ऊपर गिरता है। तो मेक श्योर इसको WD-40 डस्ट ऑफ ब्रेक क्लीनर से क्लीन करके सुखा के एकदम डाल देने का, क्योंकि ग्रीस लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, वो दबने के बाद ग्रीस पूरा इसके ऊपर फैल जाता है। तो ऐसा करना नहीं अपने को, इसे नॉर्मल क्लीन कर देने का डस्ट ऑफ से लगा दे। अभी एकदम फ्रीली जाता है ये, देखो आप देख सकते हैं फ्री, इतना फ्री रहता है कि आगे पीछे हिलता हो, और ये रह के क्या डस्टिंग पड़ जाता है ना। तो अभी लगा दूंगा मैं इसको, और सब होने के बाद बताता हूँ मैं। ऑलरेडी सेंसर भी चेंज करके ले लिया मैंने, देखो ऐसे इसके 4 बोल्ट होते हैं, देख सकते हैं कोई भी लुब्रिकेंट कुछ लगाया नहीं मैंने, इसे नॉर्मल क्लीन किया हुआ मैंने, लगा दो एकदम इजीली स्मूथली जाता है ये। देखो एकदम फ्री जाता है, ऐसा कुछ जाम होता नहीं है। और ये इसका भी 24 नंबर का बोल्ट है, वो लगा दूंगा मैं, तो इसके लिए उसमें कुछ लगाने का नहीं हो, तो लगाया तो आगे तकलीफ दे देता हूँ। उसको फुल टाइट करूँगा नॉर्मल टॉमे से, फिलहाल टच करने के लिए उतना किया था। आपको मैंने प्रोसेस बताया था इसका व्हील बैरिंग कैसा रिप्लेस करने का, अपन इसके लिए रिप्लेस किया क्योंकि कभी कभी मैकेनिकली फॉल्ट आ रहा था और सेम टाइम में इलेक्ट्रिकल भी फॉल्ट आ रहा था। तो बेटर है व्हील बैरिंग के साथ ABS सेंसर भी डालना चाहिए, और लेफ़्ट साइड से हमिंग नॉइज़ भी आ रहा था जैसा व्हील बैरिंग नहीं जाता है ना। तो प्रोसेस एकदम कम्प्लीट हो गया, बस यही छोटे मोटे स्टेप है, उसकी वजह से हो जाता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व।